नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई सऊदी अरबिया के बारे में। जी हाँ भाई, सऊदी अरबिया के कानून से रिलेटेड। आपको पता है भाई सऊदी अरबिया का कानून कितना सख्त है? अगर वहाँ पे गलती करोगे तो सज़ा मिलनी तय है, अगर आप पकड़े जाओगे तो। हाँ ठीक है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस दिन पकड़े गए तो उस दिन आप सपने में ये सोचना मत कि अपन कुछ दोबारा ऐसा कर पाएंगे, या हम अगर कोई गंभीर अपराध करते हो तो आप अपनी फैमिली से मिल पाओगे, मुझे ऐसा नहीं लगता। जी हाँ, पिछली बार में मैंने बताया था कि कुछ हेरोइन तस्करी वाले भी वो पकड़े गए थे, अब उनका क्या होगा? लाइफ टाइम उनको मौत की सज़ा मिलनी तय है। आपको पता है ड्रग्स से रिलेटेड जो सऊदी में ऐसा कुछ काम करते हैं उनको आजीवन कारावास नहीं मिलता है, ऊपर की तरफ उनको रवानगी लेनी पड़ती है, चाहे उसका कितना ही टाइम हो। आज हम बात करेंगे, जी हाँ, सऊदी अरबिया में कानून से रिलेटेड। हालांकि समय समय पर मैं वीडियो बनाता रहता हूँ, जैसे भी अपडेट अपने पास आती है, कि सऊदी का कानून सबके ऊपर बराबर लागू होता है। जी हाँ, और ये एक अच्छी बात है कि जो गलती से सऊदी के बाहर के जो खारजी हैं, आप लोग जो विदेश में सऊदी में बैठे काम करते हैं, हालांकि आप नौकरी करते हैं, उनके सामने आपकी हैसियत नहीं होती है, लेकिन कानूनन आप भी उनके बराबर ही हकदार हैं जितना सऊदी के लोकल लोग हकदार हैं। जी हाँ, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, सऊदी पुलिस की तरफ से बताया गया था कि एक वीडियो वायरल हुआ था, उसमें सऊदी का जो मालिक है अपने कारीगरों को, वर्करों को, या फिर प्रवासियों को बोल सकते हैं, नौकर को बोल सकते हैं, वो उनको प्रताड़ित कर रहा था, यानी उनको गालियां देना, मारपीट करना वगैरह वगैरह, इस रिलेटेड प्रताड़ित करना, मानसिक संतुलन आदमी का बिगड़ जाता है इसी की वजह से। और जो आदमी प्रताड़ित करता है ना, वो मान के चलिए कि वो उनका भला नहीं कर सकता, वो नहीं तो उनको समय पर सैलरी दे पाता है, नहीं उनको खाना दे पाता है, काम ज्यादा से ज्यादा करवाने की कोशिश करता है। एक वीडियो और भी वायरल है मेरे पास, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में विथ एविडेंस बंदे की। जी हाँ, उस दौरान किसी ने, अब देखिए आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है, ये बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को भी ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए कि आप मान लीजिए 10-20 लोग हो, या दो भी क्यों ना हो, या सिंगल भी क्यों ना हो, भाई आपके साथ अगर कोई गलत कर रहा है, चाहे वो सऊदी का बंदा हो, चाहे वो बाहर का बंदा हो, अपना मोबाइल अपनी जेब में रखिए, कैमरा जो होता है पीछे वाला बैक कैमरा ओपन करके अपना मोबाइल फ्लाइट मोड पे रख लो। फ्लाइट मोड पे रखोगे तो कोई कॉल आके डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है, जेब में रखो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ ना इंसाफी हो रही है, वीडियो बना लो, और वीडियो बना के आपको उसको सामने लाना पड़ेगा भाई, वायरल करना पड़ेगा। अब ये जो घटना घटी है ना, उससे आगे हम और बात करेंगे कि आप लोगों की कमी क्या होती है, उससे रिलेटेड भी हम बात करेंगे। आप लोगों की यूँ होती है पीछे से, सच्चाई की बात यह है। अब ये वीडियो वायरल हो गया, पुलिस के पास पहुंच गया, उसमें साफ साफ पुलिस ने देखा कि सऊदी का लोकल आदमी विदेशी प्रवासी है, उनको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर 100% लीगल एक्शन लेके उसके ऊपर मुकदमा कर दिया गया है। जी हाँ, अब वो अरेस्ट भी होगा, उसकी जेल भी होनी है, ये तय बात है। कहने का मतलब कानून सऊदी में सबके बराबर है, सऊदी नहीं भाई किसी भी देश में। अब मैं बात बता दूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास ज़्यादा नहीं तो हर 2-3 दिन से एक मैसेज ऐसा आता है कि सर हमें परेशान किया जा रहा है, हमें कंपनी तनख्वाह नहीं देती है, हमें खाना नहीं मिल रहा है, हमें सैलरी नहीं मिल रही है, हमें हमारा रबाब खबाब जो भी आप उनको बोल सकते हैं, बद्दू वगैरह, वो हमें परेशान किया जा रहा है। तो मैं बोलता हूँ भाई कितने बंदे हो सर, 20 हैं 30 हैं 50 हैं। मैं बोलता हूँ भाई आप एक काम करिए, मैं तो भाई कोई वहाँ का कोई PM तो हूँ नहीं कि मैं एक फ़ोन कॉल करूँगा और वो थर थर कांपते हुए आपकी हेल्प कर देंगे, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। आप अपना एक वीडियो बना के मुझे शेयर कीजिए, वीडियो के नाम से आपको रियल बताता हूँ दोबारा बंदे का। हाँ सर हम करते हैं, दोबारा बंदे का मैसेज और कॉल आना ही बंद हो जाता है, क्या पता मैं ऐसे बोलते उसका समाधान हो गया, यानी समझ रहे हो बात को, ऐसे होने लग जाती है लोगों की, यानी इतने लोगों की फटती है। अभी एक वीडियो मेरे पास आया, अभी एक आज ही बनाऊंगा, कल परसों में वो मैं डालूंगा वीडियो, देखना। बंदे ने बोला सर हमारा नाम नहीं आना चाहिए, हमें नौकरी से निकाल देंगे। अब देखो जी क्या होगा, फिर तो भाई आप लोगों का शोषण भी होना है, आपको मारपीट भी आपके साथ हो सकती है, आपको तनख्वाह भी नहीं मिल सकती है, आपको खाना भी नहीं मिल सकता, ये स्थिति आपके साथ होगी। आप मान के चलिए कि 10,000 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 2 लोगों की प्रॉब्लम है, उन 2 लोगों के अगर वीडियो वायरल होते हैं सोशल मीडिया पर, और ये भी मान के चलिए कि वो वीडियो वहाँ तक पहुँच भी जाते हैं जो आपके खिलाफ ये गलत काम कर रहा है, तो उनको महसूस हो जाएगा कि ये गलत हो रहा है, अपने खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि वो बंदा तभी तक शेयर बन सकता है, एग्री कर सकता है, जब तक वो एकदम बंद ओपन नहीं हो। अगर बात ओपन हो गई ना, तो उसके खिलाफ में फिर एक्शन, हर इंसान की एक्शन लेने की संभावना बन जाती है, तो उसको डर लगता है। तो आपको रिक्वेस्ट ये है कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो खुल के सामने आइए, सामने नहीं आओगे तो भाई कुछ नहीं हो सकता, कानून बराबर है, कंपनी आपके साथ लीगल इलीगल नहीं कर सकती, वो कानून नहीं कर सकती है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।